10 एक्स का ग्राफ ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन। टेन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, ये है 10x का ग्राफ ठीक है। और ये आगे चलता जाता है ऐसे और पीछे भी चलता जाता है वैसे। इसमें ये जीरो है और ये पाई बाई टू है। आपने सुना होगा 10th क्लास में ही tan पाई बाई टू इनफिनिटी होती है और tan जीरो जीरो होता है। यहाँ पे tan जीरो जीरो हो रहा है और पाई बाई टू इनफिनिटी है। देखो ये कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे ठीक है। ये पाई बाई टू की वैल्यू इंफिनिटी है, बहुत ज्यादा है। ये पाई है, पाई है, ये फिर 3 पाई बाई टू है, ये 2 पाई है, ये 5 पाई बाई टू है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये पाई है और ये माइनस 3 पाई बाई टू। तो ये है तुम्हारा काम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ग्राफ नोट कर लीजिए। तो अगर कोई बोले tan x is equal to zero तो सॉल्यूशन क्या बताएंगे हम? और आप समझ लीजिए कि हमें एक सॉल्यूशन नहीं बताना है, हम बताएंगे कि tan x जीरो भी हो सकता है, x पाई भी हो सकता है, x टू पाई भी हो सकता है। सो एनी x कैन बी द आंसर। तो यहाँ पे x क्या क्या हो जाएगा, x जीरो हो जाएगा और x पाई हो जाएगा, x 2 पाई हो जाएगा, x माइनस पाई, एक माइनस 2 पाई, 3 पाई भी हो सकता है, फिर माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, ये कुछ भी हो सकता है ना x की वैल्यू। तो इसका एक n के फॉर्म में लिखने से क्या काम बन जाएगा वो लिखो आप। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई, x इज इक्वल टू n पाई, यानी कि अब n बदलते जाओ, n 0 रखो, 1 रखो, माइनस 1 माइनस 2, n इज एन इंटीजर और डिफरेंट n यू विल गेट डिफरेंट आंसर। सो कलेक्टिवली वी कैन से दैट x इज इक्वल टू n पाई इज योर आंसर। तो tan x 0 का आंसर क्या हो गया, n पाई, x इज इक्वल टू n पाई ठीक है। आगे बढ़िए, tan x इज इक्वल टू मैंने अभी लिखा है 0, अभी मैंने लिखा इनफिनिटी, tan x इज इक्वल टू इनफिनिटी तो n x क्या होगा, x कहां पे इंफिनिटी हो रहा है, देखो x पाई बाय 2 पे इंफिनिटी हो रहा है, x 3 पाई बाय 2 पे इंफिनिटी हो रहा है, x 5 पाई बाय 2 पे इंफिनिटी हो रहा है, इधर इधर देखो कहां पे इंफिनिटी हो रहा है, 5 बाय 2 पे इंफिनिटी हो रहा है, माइनस 5 बाय 2 पे, फिर यहां पे माइनस 3 पाई बाय 2 पे, इतने x पे tan x क्या हो रहा है, इंफिनिटी हो रहा है। तो x क्या होगा यहां पे देखो, ये पाई बाई टू, वन पाई बाई टू, ये थ्री पाई बाई टू, ये फाइव पाई बाई टू, ये माइनस वन पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, आप क्या देख रहे हो, पाई बाई टू में क्या गुना में है, क्या मल्टीप्लाई है पाई बाई टू में, 1, 3, 5, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 5, यानी कि सारे ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई है। तो इसको मैं अगर रब करके आंसर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो ऑड मतलब क्या, 2n प्लस 1 पाई बाई टू, तो n 0 हो गया तो ये 1 पाई बाई टू हो गया, 1 रहने पे 3 पाई बाई टू, माइनस 1 रहने पे माइनस पाई बाई टू, ये सारे के सारे सॉल्यूशन इस वाले में आ गए। सो एक x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू में आपका सारा सॉल्यूशन आ गया। सो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। tan x का ग्राफ भी याद रखिए और ये जनरल सॉल्यूशन याद रखिए। अब इसमें tan x में एक और बात करेंगे कि tan x इज इक्वल टू tan अल्फा फिर क्या होगा, जिससे आप कोई भी tan की वैल्यू के लिए जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। tan x इज इक्वल टू tan अल्फा ये है,
इसके लिए क्या आंसर होगा? इसके लिए होगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ये याद रख लीजिए, इसको सॉल्व करने पे आएगा। आप टैन ऐसे करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। मुझे लगता है मार्कर में निकालना होगा। तो एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर tan x is equal to like 1 तो x की वैल्यू बतानी। आप सबको पता है कि tan x is equal to tan pi by 4, 1 मतलब tan pi by 4। फिर यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x is equal to n pi plus alpha। यहां पे tan x is equal to tan alpha है, tan x is equal to tan alpha है, तो x is equal to क्या हो जाएगा? n pi plus alpha। alpha क्या है यहां पे? pi by 4। x is equal to n pi plus pi by 4। tan x is equal to one हो गया, one by tan x, one by root 3 अगर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। इसमें फिर से अगर ग्राफ से जाओगे तो x की इतनी सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो अब आप उस प्रोसेस को समझ ही चुके हो। आप सीधा हम n pi plus alpha कर सकते हैं। तो tan x is equal to tan pi by 6 करेंगे और उसके बाद लिख देंगे x is equal to n pi plus pi by 6। आंसर तो लिख लीजिए, ये है जनरल सॉल्यूशन। तो किसी का भी सॉल्यूशन लिखा जा सकता है। नोट कीजिए, चलिए एकदम आप ऑफ कीजिए। tan x is equal to root 3, बताइए आंसर क्या होगा? पहला स्टेप तो आपने कर ही दिया होगा, tan x is equal to tan pi by 3, बस हो गया। tan x is equal to tan alpha, then you have to write for x, so यहां से आप x के लिए क्या लिखोगे? n pi plus pi by 3, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया है? If sin x is equal to sin alpha, then x is equal to n pi plus minus 1 is to the n alpha. If ये हो गया first, दूसरा cos x is equal to cos alpha, x is equal to 2n pi plus minus alpha. Third, tan x is equal to tan alpha, x is equal to n pi plus alpha. ये तीन चीजें याद रखनी है। बोलोगे सर बाकी का तीन का क्या? सपोज आपको ये दे रखा है cosec x is equal to 2, तो यहां से sin x कितना हो जाएगा? हाँ cosec x 2 है तो sin x कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा।
अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला कहानी लगा दें, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू दी एन पाई बाई सिक्स आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो कोसेक एक्स का साइन एक्स से हो जाएगा, सेक एक्स का कॉस एक्स से हो जाएगा और कॉट का टेन से हो जाएगा। तो बस आपको ये तीन याद रखना, 1 2 3 बस। अब आगे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे चुनौती आती है हमारे सामने, उसको सॉल्व करें। एक तो ये जो आप लिखते हो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। ये अब पता है हमें, वही कर रहे हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन, ये इक्वेशन है और इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन, मतलब सारे सारे सॉल्यूशन। जनरल इक्वेशन मतलब दैट कवर्स ऑल द इक्वेशंस, ठीक है, एनी इक्वेशंस, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होता है एक जनरल सॉल्यूशन, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो जब जनरल सॉल्यूशन में x का कोई वैल्यू हो सकता है, x का बहुत सारा बड़ा वैल्यू हो सकता है, 7π, 8π, 9π, 1000π, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये ग्राफ इन बहुत दूर तक जाके वो भी एक सॉल्यूशन यहाँ पे दे देगा, बहुत दूर तक। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में x की वैल्यू 2π तक लिमिट कर दी गई है। इफ द सॉल्यूशन लाइज इन दिस इंटरवल देन दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे मैं बोलता हूँ कि tan x इज इक्वल टू 1, अभी था ना tan x इज इक्वल टू रूट 3, यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये बनता है जब n की वैल्यू 0 हो तो x क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्लियर है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। n की वैल्यू 1 रखने पे ये हो जाएगा 4π/3, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो जब x की वैल्यू 0 और 2π के बीच में हो तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और इसके अलावा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन में देखिए, क्लियर करता हूँ, बहुत सिंपल है, आप लोगों को कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, बताइए इसका आंसर। कैसे स्टार्ट करेंगे, माइनस रूट 3/2 कब आता है, साइन 60, साइन 30 पे तो हाफ होता है, और साइन 60, हाँ 60 पे रूट 3/2 होता है ना, हाँ सर, तो यहाँ पे हमें माइनस 60 लेना पड़ेगा, हाँ सर। जैसे मैंने माइनस साइन पाई बाई 3 ले लिया, मतलब साइन 60, तो इसको मैं ले सकता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस 5/3। फिर क्या ले सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, एक और चीज है, एक तो माइनस 5/3 ले सकते हैं, लेकिन अगर आपसे बोला जाए फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में तो कोई बात ही नहीं है। जनरल सॉल्यूशन में आप इसके बाद लिख दोगे एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी एन माइनस 5/3, ये लिख दोगे आप। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जब आपको बोला जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में x क्या होता है, 0 से 2π के बीच होना चाहिए, लेकिन यहां तो यहां पे ये तो जनरल सॉल्यूशन है, तो या तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप -π/3 लिखो, तो वो तो 0 से 2π के बीच नहीं है,
तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा वो देखना, कहीं दिक्कत हो तो बता देना। यहां तो याद हो मैं लिख दू x = -π/3, एक आंसर हो गया, बट दिस इज नॉट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब क्या करना है, यहां पे लिखना है sin पाई प्लस पाई बाई थ्री, है ना, sin पाई प्लस पाई बाई थ्री, इसको लिखेंगे sin 4π/3। तो ये है sin x is equal to sin 4π/3, तो x क्या हो जाएगा 4π/3। अब देखो ये 4π/3 2π से तो कम ही है ना, ये 4π/3 2π से तो कम ही है, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ऐसे आंसर करते हैं, अगर आप समझ पाए तो आप आंसर बताओ कुछ। cos x माइनस हाफ कैसे डील करेंगे, find the principal solution for cos x is equal to minus half। the principal solution, principal solution, principal solution, yes। और इसका एक और principal solution होगा, साइन एक्स पाई प्लस पाई बाई थ्री में माइनस आता है और होता है साइन 2π - π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो नेगेटिव ही रहता है ना, वहां भी माइनस आता है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5π/3। यहाँ तो इसका आंसर हो जाएगा x is equal to 4π/3 and 5π/3। Next is cos x is equal to minus half। Cos x is equal to cos negative minus half। सोचो अगर मैं cos minus pi by 3 करूं तो नहीं होगा, क्योंकि माइनस को वो डाइजेस्ट कर लेता है, तो मैं इसको या तो ऐसे लिखूं माइनस ऑफ cos pi by 3। अब minus cos pi by 3 कब आता है ये सोचना है, cos pi plus pi by 3 पे आता है, cos pi minus pi by 3 पे आता है, और बस इस पे ही आता है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में तो पॉजिटिव ही होता है, इसको लिखेंगे cos pi minus pi by 3 एक, और लिखेंगे cos pi plus pi by 3, ये हो गया cos 2π/3 और ये हो गया cos 4π/3। तो
यहां से cos x is equal to cos 2 pi by 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 pi by 3 और यहां से 4 pi by 3। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, अगर आप cos x का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ये 2 pi by 3 यानी कि pi से थोड़ा कम यहां पे और 4 pi by 3 ये 2 pi ये pi है, ये 2 pi है, 4 pi by 3 का मतलब ये वैल्यू होगी cos x minus half है तो pi minus pi by 3 and pi plus pi, ये दोनों वैल्यू, ये है 2 pi by 3 और ये है 4 pi by 3, इस पे ये minus half और यहाँ भी minus half, दोनों पे ये minus half, ठीक है, ये minus half ही चाहिए था, यहाँ पे minus half है आपके, या ठीक है, आगे बढ़िए। cot x is equal to minus root 3, इन सब छोटे छोटे चीजों को करेंगे तभी आप आगे आसानी से कर पाएंगे। इसको आप कीजिए, बताइए आंसर, cot x minus root 3, और मैंने बड़े अच्छे से आपको बता रखा था कि नेगेटिव कहां कहां पे कौन कौन होता है, इसमें tan का नंबर पॉजिटिव होता है, तो minus root 3 देखते ही आप सबसे पहले लगाएंगे minus cot pi by 3, नहीं cot में तो उल्टा हो जाता है, cot pi by 6, या तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो tan में चेंज कर लीजिए, tan is equal to minus pi root 3 कर लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने tan का फार्मूला सीखा है, cot का नहीं सीखा, लेकिन tan cot का सेम ही होता है, तो cot x minus root 3 को आपने चेंज कर लिया tan x minus 1 by root 3, फिर tan x आपके minus 1 by root 3 कैसे होगा, minus tan pi by 6, अब इसके आगे क्या करना है वो सोचो, कि ये tan नेगेटिव यहां पे होगा और यहां पे होगा, तो आप यहां पे लिखिए tan x is equal to tan pi minus pi by 6, pi minus pi by 6 सेकंड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कैसे होगा 2 pi minus pi by 6, तो tan x is equal to 5 pi by 6, तो x क्या हो गया 5 pi by 6, फिर tan x is equal to 11 pi by 6, तो एक सेकंड, tan x is equal to tan, इसके बाद सीधा लिखवाना यार, x is equal to 5 pi by 6 यहां से, और ये tan ये है 11 pi by 6, तो x is equal to 11 pi by 6, तो x की दो वैल्यू क्या-क्या हो गई 5 pi by 6 and 11 pi by 6, ये x की वैल्यू है, ये है प्रिंसिपल वैल्यू, और जनरल सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, क्या करेंगे n pi plus alpha के टर्म में लिख देंगे, तो जैसे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, देखिए cot x minus root 3 को मैंने लिखा tan x minus 1 by root 3, फिर इसको लिखा tan x is equal to tan 5 pi by 6, फिर लिखा x is equal to n pi plus 5 pi by 6, बस हो गया, कहीं भी दिक्कत है पूछ लो, बिल्कुल सिंपल सिंपल सॉल्यूशन ऐसे, हाँ अपन बुक में और भी देख के कर सकते हैं, एक एक करके सारा क्लियर कर सकते हैं, सब याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तीन फॉर्मूले हैं जनरल के और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, जीरो से टू पाई के बीच रखना है, सो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कभी ऐसे भी दे सकते हैं वो थोड़ा सा इक्वेशन की फॉर्म में, तो ये सेम ही रहेगा, समझना इस चीज को, जैसे वो दे देते हैं cosec x plus minus root 2 is equal to 0, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आप क्या करेंगे cosec x को root 2 बना देंगे और उसके बाद इसको sin x को 1 by root 2 बना देंगे, बस
अब यहां से x का जनरल सॉल्यूशन लिख दो या प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना तो वो भी लिख दो, x is equal to pi by 4 हो जाएगा, मैं अभी और लिख देता हूं pi minus pi by 4, 3 pi by 4 हो जाएगा और बस यही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में साइन पॉजिटिव होता है तो इसके ठीक है। अच्छा यहां पे cosec x plus root 2 होता तो ये माइनस हो जाता, ठीक है, इसके आगे यहां पे कर देते हैं, यहां पे लिखो sin x is equal to minus 1 by root 2। अब sin x नेगेटिव कहां पे होता है, वहां पे होता कहां होता है, फर्स्ट सेट में तो पॉजिटिव होता, थर्ड में होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा sin pi plus pi by 4। यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, pi pi by 4 और यहां पे sin x is equal to sin 2 pi minus pi by 4 भी लिख सकते हैं, तो x क्या हो जाएगा 7 pi by 4। तो ये दोनों 2 pi से पहले है, 2 pi से कम है, तो ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा इस केस। ये करिए आप tan 3x is equal to minus 1, हो गया tan 3x minus 1 हो गया। अब लिखिए tan 3x is equal to tan minus pi by 4, उसके बाद इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बहुत सारे आंसर आ जाएंगे और जनरल सॉल्यूशन लिखिए फिर, उसमें तो n pi लिख के बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं हो रहा है सर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं बताता हूं। tan 3x है, यहां पे मैंने लिख दिया minus of tan pi by 4, tan pi by 4 minus 1 होता है, tan pi by 4 1 होता है, तो मैंने tan pi by 4 1 लिख दिया और minus पहले से था तो minus लिख दिया, सिंपल सी बात की है अभी तक। उसके बाद हमें पता है कि tan minus pi minus कब होता है, हमें ये बात अच्छे से पता है कि tan pi minus pi by 4 minus tan pi by 4 होता है, यहां पे पता है, क्योंकि हमें ये पता है tan pi minus alpha कितना होता है minus tan alpha, यह हमें पता है फॉर्मूले में भी है, हमने शुरू में ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ा था, तो माइनस tan अल्फा को मैं ये लिख सकता हूं tan पाई माइनस अल्फा, माइनस माइनस tan पाई बाय 4 को मैं ये लिख सकता हूं tan पाई माइनस पाई बाय 4, माइनस tan पाई बाय 4 को मैं लिख सकता हूं tan पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है, तो ये हो गया tan 3 पाई बाय 4, tan 3x is equal to tan 3 pi by 4। चलिए यहां तक बात क्लियर हुई, मैंने लिखा tan 3x is equal to tan 3 pi by 4, अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो मैं लिखूंगा 3x is equal to n pi plus alpha, tan theta is equal to tan alpha, तो theta क्या होता है n pi plus alpha, हमने देखा था अभी nx is equal to tan alpha, तो x क्या होगा n pi plus alpha, तो 3x
इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई फोर। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब आपको स्पेशल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए तो n की डिफरेंट वैल्यू पुट कर दीजिए। एक दूसरा तरीका देख सकते हैं, n की डिफरेंट वैल्यू पुट कीजिए और देखिए कि वो वैल्यू 2 पाई से कम है और 0 से ज्यादा है या नहीं। तो सबसे पहले अगर n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई फोर व्हेन n इज इक्वल टू 0। फिर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई फोर व्हेन n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू 2 पुट करोगे व्हेन n इज इक्वल टू 2। अब ये सारी वैल्यू क्या 2 पाई से कम है, बिल्कुल कम है। ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी, लेकिन ये इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग उसमें देखेंगे जिसमें यहाँ पे x होगा। 3x वाले का बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बता दें, ऐसे करते जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले ये देखिए कि पाई माइनस पाई बाई फोर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के लिए ये है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए ये 3 पाई बाई फोर लिखा। और ये नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है टेन, ये भी देखो, टेन पाई बाई पाई प्लस पाई फोर पे तो पॉजिटिव होता है। तो दूसरा ये हो जाएगा, पहले यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लो आप, 3x इज इक्वल टू 3 पाई बाई फोर, तो x क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर। एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, tan 3x is equal to minus tan pi by 4, क्या हो जाएगा, tan 3x is equal to tan pi plus pi by 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5 pi by 4। तो ये तो 5 pi by 4 तो पॉजिटिव होगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये गलत ले लिया गया, इसको ले लीजिए 2 pi minus pi by 4। tan 3x is equal to tan 7 pi by 4, यहां से 3x की वैल्यू आ जाएगी, 3x is equal to 7 pi by 4, तो x क्या हो जाएगा, 7 pi by 12। अभी भी बहुत सारा काम हो सकता है, यहां पे pi by 2 ही है। तो इस तरीके से और जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट मुझे लगता है इसमें बुक में जनरल सॉल्यूशन बताने के लिए दिया गया है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा। 2 पाई माइनस पाई बाई फोर होगा, फिर 2 पाई 3 पाई प्लस 3 पाई माइनस पाई बाई फोर होगा। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 11 पाई बाई फोर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 पाई बाई 12। अब देखो पाई के करीब x की वैल्यू आई है, ठीक है, ये सॉल्यूशन नोट करते जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे tan 3 पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया, फिर 4 पाई माइनस पाई बाई 4 होगा। 4 पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब क्या, ये है 2 पाई, ये है 4 पाई, उसमें से पाई बाई 4 माइनस कर दिए, यानी कि इधर आ गए, ये हो गया 16 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि tan 15 पाई बाई 4। tan 3x is equal to tan 15 pi by 4, तो 3x कितना हो जाएगा, 15 pi by 4, 3 5 जा 15, x is equal to 5 pi by 4। अब ये pi से थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो ये लंबा प्रोसेस है, फिर करना पड़ेगा। ये लिख लिया होगा आपने, यहाँ पे लिखेंगे माइनस tan, अब यहाँ फिर से 5 pi जाओगे, 5 pi माइनस pi by 4 करोगे, तो ये हो जाएगा 3x is equal to 20 pi and 19 pi by 4, तो x क्या हो जाएगा, 19 pi by 12। फिर 6 pi minus pi by 4 करोगे, ठीक है, तो ऐसे फिर से आता जाएगा x is equal to कुछ कुछ आता जाएगा। तो जब तक ये 2 pi तक, 2 pi से कम तक आता, 2 pi से जैसे ही ज्यादा आने लगेगा फिर वहां पे रुक जाना। बट इसमें जनरल सॉल्यूशन के लिए कहा गया, ठीक है, तो आप इसमें बट ये नहीं कहा गया इसमें, आपको एक सेकंड मुझे देख लेना। जनरल सॉल्यूशन कहा गया है, तो आपका आंसर एक मिनट में खत्म हो जाता है,
यहाँ पे आप लिखोगे 3x is equal to n pi plus 3 pi by 4 नहीं 5 pi by 4 3 pi by 4 क्योंकि वहाँ पे second quadrant में है, तो x क्या हो जाएगा n pi by 3 plus pi by 4 ये होगा। ठीक है जी, ये काम खत्म हुआ, अब और भी आगे बढ़ सकते हैं इसे हम लोग। इसमें मैं क्वाड्रेटिक ढूंढ रहा हूं जहां से आंसर आ सकता है। 2 cos स्क्वायर x plus 3 sin x is equal to 0। यस, 2 cos स्क्वायर x plus 3 sin x is equal to 0। 2 1 minus sin square x plus 3 sin x is equal to 0, फिर यहां minus 2 sin square x plus 3 sin x plus 2 is equal to 0, minus हटाया 2 sin square x minus 3 sin x minus 2 is equal to 0। इसको quadratic है, आप इसको solve कर सकते हैं easily। यहाँ 2 sin x minus sin x, तो ये 2 sin x कॉमन आ जाएगा। पूरा कर देता हूँ अच्छे से, टू sin x कॉमन, यहाँ हो जाएगा sin x minus 1, 2 तो ले ही चुके हैं, फिर minus 1, एक सेकेंड, 2 sin square x, 2 sin x, 2 sin x, sin x, तो ये हो गया 4 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 2 1 minus sin square x 3 sin x minus 2 sin square x plus 2 3 sin x, 2 2 4 है, यहाँ पे आप लिखिए minus 4 plus sin x, अब यहाँ पे आप लिखिए 2 sin x common, ये हो जाएगा sin x minus 2 plus 1 sin x minus 2 is equal to 0। ये हो गया 2 sin x plus 1 and sin x minus 2 is equal to 0, तो एक ये 0 हो जाए और एक ये 0 हो जाए, तो sin x कितना हो गया minus half और sin x कितना हो गया 2, तो sin x 2 तो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो रह गया sin x is equal to minus half, और इसको आप कई बार पहले भी सॉल्व कर चुके हो, तो एक बार और कर लो, sin x equal to minus half का सॉल्यूशन बता दो मेरे को, जल्दी करो, यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसको सॉल्व करने का ही तरीका है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, फिर अगर यहां से सॉल्यूशन मिलता तो वो भी आंसर होता, बट यहां सॉल्यूशन नहीं मिल रहा क्योंकि sin x can not be 2 for any x, there is no such x, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते वक्त कुछ वैल्यू ऐसी आ जाती है जो हमें आंसर नहीं देता है ना, वो एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे sin x minus half है, इसको सॉल्व कीजिए आंसर बताइए। एक लाइट ऑफ कर दें, आया नहीं आया बोलो तो सही, ये भी नहीं आया, ये तो देख के बता दो पीछे,
सर गलत आ रहा है, तुम बताओ तो सही, क्या पता सही हो। यही होगा माइनस साइन पाई बाई सिक्स। मेरा माइनस साइन पाई बाई थ्री आ रहा है। नहीं, साइन एक्स हाफ कब होता है? पाई बाई सिक्स पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। पाई बाई थ्री आ ही नहीं सकता, वहां रूट थ्री बाई टू होता तो पाई बाई थ्री लिखते, यहाँ तो हाफ है तो पाई बाई सिक्स लिखें। तो ये माइनस अंदर चला जाता है क्योंकि माइनस साइन बचा नहीं पाता है, तो ये ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, साइन माइनस पाई बाई सिक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखो एन पाई प्लस माइनस वन टू द एन इनटू माइनस पाई बाई सिक्स। इसका बुक में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन एंड माइनस वन, तो माइनस वन का होल पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन। ये आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और भी हैं, करना यही है सब। साइन टू एक्स, साइन फोर एक्स, साइन सिक्स एक्स, साइन टू एक्स, साइन फोर एक्स, साइन सिक्स एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या होगा, कैसे होगा? साइन फोर एक्स से पहले क्या लिखा है? इसमें आप इन दोनों को कंबाइन किए, 2x और 6x को साथ में लीजिए, फिर आगे बढ़िए। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और हाँ, यहां से साइन फोर एक्स कॉमन ले लो, फिर टू कॉस टू एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो वो जीरो या तो वो जीरो, दोनों सॉल्यूशन देगा करो। साइन फोर एक्स अगर जीरो होता है तो फोर एक्स क्या हो जाएगा, अगर साइन एक्स जीरो होता है तो एक्स क्या होता है, एन पाई। तो साइन फोर एक्स जीरो हो रहा है तो फोर एक्स क्या हो जाएगा, एन पाई। तो एक्स क्या हो जाएगा, एन पाई बाई फोर। तो एक सॉल्यूशन मिला एन पाई बाई फोर। अब यहां से भी एक सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सिंपल है ये सर, टू कॉस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। आप फिर से वही बात, कॉस टू एक्स माइनस हाफ, तो फिर से कीजिए आप, माइनस हाफ कब होगा, आप अगर कुछ याद रखें वैल्यू तो और भी अच्छा है।
मैं इसे cos pi minus pi by 3, cos pi minus pi by 3 negative होता है, इसलिए हम लिखेंगे ये होगा cos negative of cos pi by 3, pi by 6 minus root 3 by 2 होता है, root 3 by 2 ये pi by 3 half होता है, तो minus pi by 3 लिखा, तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos pi minus pi, यानी cos 2 pi by 3, 2 pi by 3 पे ये negative होता है, और भी लिख सकते हैं cos pi plus pi by 3 भी लिख सकते हैं, तो एक बार 2x हो जाएगा 2 pi by 3, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 2 pi by 3, बट ये हमें लिखना नहीं है, हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो 2x क्या लिखेंगे 2n pi plus minus 2 pi by 3, ये क्या है cos 2 pi by 3, 2n pi plus minus 2 pi by 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी n pi plus minus pi by 3, तो दिस इज हाउ वी डू सच क्वेश्चंस, और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं हो सकता, सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, cos c plus cos d, cos c minus cos d, sin c plus sin d, sin c minus sin d, बस बेसिक फॉर्मूला देख देख के ही आप करोगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आप कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो देख देख के ही आप कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को, फॉर्मूला को प्रेशर मत लीजिए, याद है नहीं है, आप बस बुक से देख के फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट मारिए, सॉल्व कीजिए, अपने आप याद आ जाएगा, आप 10 बार लिखेंगे याद, ठीक है, ठीक ही है। cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों साइन होता है, माइनस 2 sin c plus d by 2 into sin minus d by 2, माइनस 2 साइन 3x इनटू साइन x, तो यहां से दो दो सॉल्यूशन निकलेगा, एक साइन 3x 0 और एक साइन x 0, तो यहां पे 3x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, यहां पे x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, तो x is equal to n pi by 3 and x is equal to n pi, ये दोनों सॉल्यूशन होगा, अगर आप चाहो इसको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना तो क्या लिखोगे वो बता, आप यहां लिखोगे x is equal to pi by 3, 2 pi by 3, फिर 3 pi by 3, आप ये बताइए कि अगर ये n 3 का मल्टीपल होगा तो ये तो यही दे देगा ना, नहीं समझे, यहां पे है x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई और यहां पे x है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 टू पाई बाई 3 ये तो आंसर हो गई, और इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो हम सिर्फ इन दोनों का यूनियन लेके ये लिख सकते हैं x is equal to n pi by 3, इसके सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन रह गए, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में वाला सॉल्यूशन रह गए, चलो जी ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन में लिख देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिए, इसको नोट कीजिए पहले, इसका सॉल्यूशन करना है आपको, जनरल सॉल्यूशन सबका, साइन एम एक्स
प्लस साइन एन एक्स, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाओ, आसानी से हो जाएगा। रूट थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू वन। एंड ये फोर्थ sec x माइनस tan x इज इक्वल टू रूट थ्री। सॉल्व करिए इन सबको, इसमें एक मैं बता देता हूं अभी और बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा करके। अब बोलो कौन सा बताऊं, वही बता दूंगा। सर आप अपने मन से ही बता दीजिए। ठीक है, थर्ड देखिए, तो थर्ड देखिए, देखिए थर्ड बड़ा आसान है। अच्छा ये वन है, कैसे हो? हाँ, टू से डिवाइड करो, टू से मल्टीप्लाई करो। बाकी सब अलग तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा शायद। इवन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, तो वन माइनस साइन बाय कॉस, इसका भी देखना कैसे होगा, पहले अभी इस पे फोकस करते हैं। तो इसको लिखा टू टाइम्स साइन पाई बाय रूट थ्री बाई टू, क्या होता है साइन पाई बाई थ्री, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंदर, क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री माइनस एक्स, टू साइन पाई बाई थ्री माइनस एक्स क्या हो जाएगा वन, तो साइन पाई बाई थ्री माइनस एक्स कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है, या फिर आप माइनस बाहर निकालो, इसके आगे नेक्स्ट क्या कर सकते हो, साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस हाफ। अगर यहाँ पे एक्स को पलट दोगे तो माइनस बाहर आएगा, इस माइनस को उधर भर कर सकते हैं। अब यहाँ से आप जनरल सॉल्यूशन बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। आपने क्या सीखा, चाहे यहाँ कुछ भी हो और चाहे यहाँ कुछ भी हो, एक्स क्या होता है एन पाई प्लस प्लस माइनस वन एस टू दी एन अल्फा, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो जो भी कुछ भी है इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस पाई बाई थ्री दिस इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन एस टू दी एन अल्फा। अभी अल्फा क्या है वो तो यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ये है साइन माइनस पाई बाई सिक्स, अब यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी n पाई यहां पे प्लस माइनस वन टू दी एन प्लस वन पाई बाई सिक्स और प्लस पाई बाई थ्री। तो ये आंसर है, यहां पे ऐसे करना होता है। ट्राई कर लेना, नहीं होगा मैं बता दूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में। बोलिए कोई दिक्कत कोई तकलीफ है तो बताइए, इस सॉल्यूशन में पिछले सॉल्यूशन में। नोट कर लो, ठीक है, एंड किया जाए। चलो मैं एंड करता हूँ, थैंक यू।